अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मरियम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बहलूल फैमिली ब्लॉग्स। आज हम उठे थे बहुत लेट, तकरीबन कोई 12:30 बजे हम लोग उठे थे, तो क्योंकि थके हुए थे सब और रात को सोए भी हम लोग लेट ही थे, 3:30 बजे सोए हैं, तो इसी वजह से फिर आपके साथ सुबह सुबह की रूटीन शेयर नहीं हो। तो मैंने बना लिया था नाश्ता और फिर उसके बाद हमने कर ली थी घर की सफाइयाँ जल्दी जल्दी से, और बहलूल को शावर दिलवा लिया था। तो बाबा भी आज घर पर ही हैं क्योंकि उनकी तबीयत ज़रा थोड़ी सी अपसेट थी, तो वो आज घर पर ही हैं। तो अब गा रहे थे सब आराम, तो मैंने सोचा कि अपनी मैं व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। तो आपको आवाज़ आई रही होगी पीछे से थोड़े शोर की, तो बाहर हो रही है बारिश, ये देखें जी बाहर हो रही है बारिश और वो भी एंड लेवल की। और आपको पता ही है कि बारिशें हो रही हैं, तो अल्लाह ताला तो खैर की बारिशें ही बरसाए, क्योंकि आ गई पूरे मुल्क में इतना ज़्यादा नुकसान हो गया हुआ है, लोगों की जान माल क्या सारा कुछ ही तबाह हुआ पड़ा है। लोग पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहे हैं वहाँ पर और किस तरीके से तबाही फिरी हुई है कि मतलब लोग अपने घरों से बेघर हो गए हुए और कुछ बेचारों के तो इतने नुकसान हुए कि उनके अपने बनाए हुए इतने उम्मीदों के साथ, इतने प्यार से, इतनी खुशियों के साथ बनाए हुए घर तक जो उनसे वो टूट गए हैं साहब की जद में। अल्लाह ताला रहम करे हम सबके हाल पर और हमारे से जो गुनाह हो गए हुए हैं या कोई ऐसी अल्लाह ताला को बातें हमारी बुरी लगी हुई हैं कि इस तरह का अजाब हमारे पर नाजुर हो रहा है, तो अल्लाह ताला हम सब को माफ़ फरमाए हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को, जाने अनजाने में जितने भी किए हों हम लोगों ने, सबके लिए हम लोगों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और इस आफत से हम सब की जानों को महफूज रखे। मतलब इतनी गुतबाही हो गई है ना, तो जितना हो सके प्लीज़ ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करें और उनके लिए फ़ंड वगैरह का भी करें कि उनको उनको राशन, उनको कोई मदद इमदाद वगैरह कोई पहुंच सके, क्योंकि उन बेचारों की इतनी बुरी हालत हुई हुई हैं कि पता नहीं किस तरीके से वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। और कितनी अजीब बात है कि मतलब मुल्क में तबाही फिरी हुई है हर चीज़ की, और यहाँ पर महंगाई जो उनकी है अल्लाह माफ़ करे कि आसमानों को हाथ लगा रही है कि गरीब बंदा तो वैसे ही पीस के रह गया होगा ना। तो प्लीज़ जितना हो सके तो उनकी मदद आप लोग करें और जितनी आप इमदाद करवा सकते हैं तो ज़रूर करवाएं। अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे जिन्होंने अपने प्यारे अपने घरों को खो दिया इस आफत में। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और उनकी गैब से ही मदद फरमाए, और जितना आप लोगों से हो सके आप लोग भी ज़रूर इमदाद करें, ज़रूर उनको फंडिंग वगैरह का कोई सीन करें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। मैं तो यही कहूँगी न्यूज़ सुन सुन के मैं तो बहुत परेशान नहीं पड़ी, लाइक बुरा हाल है, बिल्कुल बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो दोपहर में खा लिया था सबने खाना और फिर उसके बाद कर लिया था थोड़ा सा आराम और मैं तो बिल्कुल सो ही गई थी। तो अभी उठी हूँ मैं, तो मैंने निकाल कर रखी हुई थी गर्दनें मुर्गी की, तो वो उनमें काफ़ी बर्फ़ जमी हुई थी, तो अब वो बर्फ़ पिघल गई है, तो अब मैं वो बनाने लगी हूँ चावल और इसके अंदर डालूंगी वो गर्दन। इन्हें हम कर लेते हैं पहले वॉश जी। तो मैंने धो ली थी गर्दनें और अब टाइम हो गया हुआ है चाय का, तो ले लेते हैं चाय की ब्रेक। परवा बना के ले गई हैं चाय और ये मम्मा ने मंगवाई हैं चीज़ें। क्या मंगवाया था आपने? मैंने पकौड़े और पोपड़ मंगवाए। ले जी ये पोपड़ आए हैं और साथ आए हैं पकौड़े शाम की चाय के साथ। जी तो हमने पी ली थी चाय और अब मैं बनाने लगी हूँ चावल, क्योंकि गैस का कोई पता नहीं होता, किसी भी टाइम चली जाती है। आपको पता है पाकिस्तान है तो हर चीज़ की लोड शेडिंग तो फिर ज़रूरी वाला सीन है। इधर मामा बना के दे रही हैं मुझे अदरक लहसुन और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ चावल साफ, क्योंकि आज फरमाइश आई है हमारे घर से कि जी आज तो गर्दनों वाले चावल ही बनेंगे रात के खाने में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरवा और मुझे तो आप जानते हैं, ये मेरी दोस्त है ना मरियम, ठीक है। और आज हम बनाने लगे हैं गर्दनों वाले चावल और रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो है ना ब्लैक दुपट्टे वाली, ये बनाने लगी है, ठीक है, फिर आपको हम दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। ये देज का तो आपको खाली नज़र आ रहा है,
इसमें जो मैंने ब्लैक दुपट्टे वाली लड़की दिखाई थी ना, वो बनाएगी चावल गर्दनों वाले, फिर आप देख लेना कैसे बनाएगी, मज़ेदार। अगर किसी ने खाने होंगे ना तो आ जाना, ठीक है? दावत मैं पहले ही दे रही हूँ, वो ब्लैक दुपट्टे वाली तो बाद में दे देगी ना। ये देखे ज़रा इसके दांत कैसे निकले, ये देखे ज़रा, ये देखे। अब ये देश का मैं रखना लेकर इसके ऊपर, और गैस भी हमारी बहुत कम आ रही है, और इसमें मैं डालने लगी हूँ ये ऑयल। तो ऑयल हो रहा है गरम, जब अच्छी तरह से ये गरम हो जाएगा ना, फिर इसके अंदर डालेंगे प्याज और उसको कर लेंगे लाइट गोल्डन। ये अब गरम होने लग गया होगा, तो इसमें मैं डालने लगी हूँ प्याज। जी तो प्याज हमारी हो रही है गोल्डन, और इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने इसके अंदर डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब इसको कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई इसमें। जी तो ये प्याज हो गई है गोल्डन, तो इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ ये गड्ढे, और इसको भी कर लेंगे साथ ही फ्राई। जी तो अब इसका कलर हो गया होगा, देख रहे हैं आप गोल्ड और इसका, तो ये कलर इसका चेंज हो गया, ये अच्छी तरह हो गई हुई है फ्राई। अब इसका कर लेंगे मसाले, फ्राई भी हो गई है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी पानी। क्योंकि ऐसी गर्दना गलानियाँ भी तो नहीं। तो ये हो रहे हैं पानी इसका बॉयल, तो इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ 4 चम्मच नमक के, 3 चम्मच मिर्चों के, 1 बड़ा चम्मच हल्दी का, क्योंकि हमारी घर की पिसी हुई हल्दी है तो इसका कलर तेज आता है, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/2 चम्मच जीरे का, 1/2 चम्मच ये अजवाइन, क्योंकि अजवाइन जो सी है मैं इसलिए डालती हूँ हर खाने के अंदर, ये एक तो एसिडिटी का जिनको मसला होता है ना उसको ये सही करती है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बिल्कुल ठीक करती है, और जो खानों की बादी होती है ना, या आपको वो तजाबियत करते हैं खाने, वो उससे आपको बचाती है। ये थोड़ी सी ये कलवंजी दुरूद शरीफ पढ़ के, ये थोड़ा सा टेस्ट ज़रा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इन्हेंस करने के लिए 1/2 चम्मच सफ़ेद मिर्चों का, इसको कर लेते हैं मिक्स। आलू बहरा, और मैंने कटिंग कर लिया था 1 टमाटर, और वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 1/2 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूंगी बिरयानी मसाले का, 2 पीस मैंगो अचार के, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। जी तो गर्दनें हमारी हो गई हैं थोड़ी सी नरम, तो अब इनको अच्छी तरह से भून लेते हैं। जी तो ये भून गई हैं अच्छी तरह से, तो अब हम धो लेते हैं चावल, और फिर चावलों को करेंगे इसके अंदर। जी तो मैं इसमें डालने लगी हूँ चावल, बिस्मिल्लाह। चावलों को इसके ही पूरे पूरे पानी में मैं पकाऊंगी, क्योंकि ये हमारे चावल ऐसे हैं कि सिर्फ ना इसी के पूरे पूरे पानी में पकते हैं, अगर इस ज़्यादा पानी ऐड कर देना तो फिर ये हो जाते हैं बहुत नरम। अब इसको कर लेते हैं मिक्स। जो सैडा जो मसाला लगे है भी ला लेना चाहिए। अब इसका इंतज़ार करेंगे हम कि इसको बॉयल आना शुरू हो जाए, तो फिर इसका नमक मिर्च दोबारा से चेक कर लेंगे, क्योंकि मैं कहती हूँ कि हर चीज़ ना परफेक्ट होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन बड़ी ज़रूरी है। तो इसमें नमक मिर्च भी चेक कर लेंगे, और फिर इसको दे देंगे दम। जी तो ये होने लग गए हैं बॉयल, मैंने इसमें काट के डाल दी थी 3-4 हरी मिर्चें भी, ज़रा उसका भी डिफरेंट सा टेस्ट आ जाता है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी फूड कलर, ये मैंने डाल दिया इसमें फूड कलर, और अब इसको मैं रखने लगी हूँ दम पर। दम मैंने इसका खोल लिया, और ये चेक करें ज़रा आप चावल।
माशाल्लाह। साथ मैंने बना लिया था रायता और इसमें मैंने डाली थी हरी मिर्चों की और पुदीने की चटनी और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा नमक और फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। जी तो मैंने बना लिए थे चावल और आप चेक कर सकते हैं कैसे ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। और अब हम खाने लगे हैं खाना और अगर किसी ने खाना है तो आ जाए सो बिस्मिल्लाह। सुखी सुखी दावत नहीं हैगी, जिदा दिल करे आइए। और मामा मैं करके दे रही हूँ सर्व, मामा ठंडिया छावा तो मामा के हाथों से जैके भी आई जाते हैं। वैसे बनाए मैंने लेकिन फिर भी मामा के हाथ का तय करिएगा क्योंकि मामा सर्व कर रही है ना। जी तो हमने खा लिया था खाना और फिर मैंने कर दिए थे बिस्तर वगैरह सेट क्योंकि बाबा की तबीयत ज़रा थोड़ी अपसेट है तो वो फिर परेशान हो रहे थे। उन्होंने मेडिसिन तो ले ली थी तो उन्होंने सोना था, फिर मैंने उनको जल्दी जल्दी से बिस्तर करके सेट दे दिया और अब सब तकरीबन आधे लोग तो सो ही गए हुए हैं तकरीबन क्योंकि सब थके हुए थे। एक तो आज का वैसे भी दिन थोड़ा सा थका देने वाला था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी तो वो बारिश ही के हर वक्त की भी बारिश देख देख के ना बंदे का दिल ना परेशान से ही हो जाता है कि आए हाय कि हर टाइम की बारिश ही है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, आपसे होती है कल इंशाल्लाह नए व्लॉग में और नई सुबह के साथ मुलाकात। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको हमें रखे बुरे लोगों से, बुरी नज़रों से और बुरी सोहबतों से दूर और महफूज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पीस।